से पहले इसी मुद्दे पे एक फिल्म आई थी शिकारा। शिकारा जिस किताब पे थी वो लिखी राहुल पंडिता ने, जो खुद एक कश्मीरी पंडित है और वो कश्मीर से, उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा। जिन निर्देशक ने बनाई, जो इसके निर्माता थे विधु विनोद चोपड़ा, वो भी कश्मीरी पंडित थे। तो वो फिल्म आई थी, उसमें दिखाई गई थी एक तो कश्मीर दिखाई गई थी पूरी, कश्मीर की खूबसूरती क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहन सहन हैं। उसके बाद उसमें भी दिखाया गया था कि उसमें हुआ कैसे था, उसमें भी बहुत दर्दनाक था, वहाँ पे लोग अपने घर छोड़ के गए, मारा गया था, सब दिखाया गया था। उसमें जो दिखाया गया था और जो कश्मीरी फाइल में दिखाया गया था, उसमें मुझे अंतर ये लगा कि कश्मीरी फाइल में सिर्फ ये दिखाया गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ गलत क्या हुआ, आपने दूसरी साइड नहीं दिखाई। दूसरी साइड जो शिकारा में दिखाई गई थी, जैसे हम मान लीजिए कि अभी यहाँ अगर यहाँ पे कुछ होता है ऐसा, और जो अल्पसंख्यक है यहाँ पे उनके साथ कुछ होता है और उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग छोड़ेंगे तो जो बाकी दूसरी कम्युनिटी रहती है उससे वो उनकी हमदर्द ना बने या उन्हें ना बचाए। तो ऐसे कश्मीर में भी हुआ होगा, वहाँ पे जो मुस्लिम है उन्होंने बचाने की कोशिश की थी वहाँ पे, और वो लोग भी मारे गए थे इसी वजह से। तो वो चीज़ इसमें कश्मीरी फाइल में बिल्कुल नहीं दिखाया गया। एक भी कोई मुस्लिम करेक्टर नहीं दिखाया गया, जो बहुत अच्छा था, एक शायद एक का जिक्र हुआ है, और बाकी ऐसे घर में शरण देते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से होंगे, क्योंकि आप जहाँ पे बचपन से रहते हैं 20-50 साल रहते हैं, तो आपके जो पड़ोसी भले ही दूसरे धर्म के हों, लेकिन उनके आपका वो तो आप नकार नहीं सकते, मतलब दिखाया हाँ, तो गया था एक सीन दिखाया, एक करेक्टर दिखाया गया था, लेकिन ऐसे कई सारे मुस्लिम थे जिन्होंने अपने घर में शरण दी, और वो तो इसमें थोड़ी देखने को कमी मिली। देखिए, जब भी दंगा होता, कोई भी दंगा होने के बाद जो पुलिस कैसे बात करती है, पुलिस किसी एक कम्युनिटी से बात नहीं करती, वो दोनों से बात करती है, और तभी वहाँ पे शांति आती है। आप जो पीस कमेटी बनती है ना, तो उनमें दोनों सारे धर्मों के लोग इकट्ठे होते हैं और फिर वो शांति स्थापित करते हैं। पुलिस फोर्स अकेले शांति स्थापित नहीं कर सकता कहीं भी, कितना भी बल प्रयोग कर ले, जब तक वहाँ के लोग इकट्ठे होकर आगे नहीं आएंगे। तो इसी तरह से कोई फिल्म बनाई जा रही है, आप पूरी सच्चाई दिखा दो, लेकिन कम से कम किसी दूसरे धर्म के प्रति या दूसरे वर्ग के प्रति नफरत का माहौल ना बने, बस मुझे ये कहना है इसमें। ठीक है, तो मतलब आप क्या चाहते हो, 3 घंटे की फिल्म में क्या क्या दिखा दिया जाए? मतलब एक अगर देखिए, आप कह रहे हो कि वो दिखाया तो गया ना, दिखा आप कह रहे हैं 3 घंटे की फिल्म में क्या दिखा दिया, 3 घंटे की फिल्म थी, आपको लगी कई जगह फिल्म खींची गई है जबरन, वो तो आप उसमें दिखा सकते थे। जैसे शिकारा फिल्म जो थी उसमें पूरी कश्मीर दिखाई गई, कश्मीर की खूबसूरती दिखाई गई, उसमें कैसे लोगों को मारा गया कश्मीर पंडित, वो भी दिखाया गया। उसमें जिन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने बचाया, वो भी दिखाया गया, उसमें पूरे फैक्ट के साथ दिखाया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि 3 घंटे की फिल्म में क्या क्या दिखाया सकता, आप अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप कुछ भी दिखा सकते। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल 10 में से कितने नंबर इस फिल्म को देंगे, तो आप कितने देना चाहेंगे फिर? अब नंबर की बात करूँ तो मुझे, अगर आप फिल्म के क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो फिल्म जो घटना थी वो सच थी, लेकिन वो फिल्म तकनीकी रूप से कमज़ोर थी। उसका आप कैमरा देख लीजिए या दूसरी आप एडिटिंग देख लीजिए, वो दोनों चीज़ों में फिल्म एवरेज थी बहुत। और जो हाइप मिल रही है फिल्म की, उसके सामने हो सकता है ये सारी चीज़ें कोई नोटिस ना करे, लेकिन मैंने नोटिस की तो वो कमियाँ हैं इस फिल्म में, भले ही वो अभी इसकी कोई बात ना करे, लेकिन कमियाँ तो हैं फिल्म में वो। तो उसमें नंबर की बात करूं तो मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, एवरेज मतलब हाँ। आपको 50% ही फिल्म, हाँ, क्योंकि देखिए जो घटना है वो शिकारा को कितने देंगे? शिकारा की अगर बात करें, शिकारा में क्योंकि मुझे मैं उससे संतुष्ट हुआ, क्योंकि उसमें सारी चीज़ दिखाई गई थी, जो हुआ वो भी। और देखिए, कश्मीर की जब भी बात करेंगे हम, तो कश्मीर एक घटना की वजह से या उसमें जो होता रहता वो उसकी वजह से चर्चित है ही, लेकिन हम कश्मीर की दूसरी साइड क्या देखते हैं हम, कि वहाँ पे जन्नत जैसे कहते हैं, तो कश्मीर की जन्नत आपने जो गलत हुआ वो दिखाया, लेकिन आपको आपको वहाँ की जो जन्नत, जो खूबसूरती, वो भी आपको दिखानी पड़ेगी फिल्म में, जो शिकारा में दिखाई गई थी।